हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम्स, सत श्री अकाल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मछली फ्राई, और उसके बाद में हम मछली फ्राई के बाद में हम इसी मछली को एक ग्रेवी में थोड़ा सा अलग बनाएंगे, तो उसको भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मछली फ्राई का जो है, 1 किलो मछली फ्राई के लिए हमने 1 किलो ले लिया मछली। हल्दी है 1/4 टेबल स्पून, और ये है अजवाइन 1/2 टीस्पून, गर्म मसाला 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार, जिंजर 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर जो है वो 1.5 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून से कम जो है कसूरी मेथी है, और तेल जो है हमने लिया है जिससे ये बाइंड रहेगा, और 1 नींबू है। तो नींबू को अभी हम पहले इनको मिला लेते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं इसमें, क्योंकि हमें सब मिक्स करना है। तो ये हमारा नींबू का रस भी इसमें मिल गया है, तो ये बीज निकाल देते हैं। गाइस, ये हमारा साफ हो गया। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले को, तेल के साथ, पेस्ट के साथ। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये देखिए, ज़्यादा मसाला नहीं है इसका। मसाला जो अगर थोड़ा बहुत बचेगा भी तो उसको हमें फेंकना नहीं है, उसको हमें रखना ही है, वो बाद में हमारे काम ही काम आएगा, तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये हो गया हमारा मिक्स। अब इसमें जो है हम मछली डालेंगे, हमारी जो मछलियाँ हैं ये आ गई हमारी मछली, इसको कर देंगे हम मैरिनेट। तो ऐसे मैरिनेट करना क्या है कि सब पे लग जाए अच्छे से, एक एक पीस को कर लें, बाद में फिर मिक्स भी कर लेंगे। सब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये मच्छी फ्राई होती है एकदम नए तरीके से। तो आज बरसात भी हो रही थी तो हमने कहा कि चलो आज मछली बनाते हैं। तो ये मछली अभी मैरिनेट करने के बाद में हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद में फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही एक एक पीस ग्राइंड करके पहले लगाएंगे मसाले को, तो जल्दी और अच्छे से मसाला लग जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। तो ये हमारा मछली हो गया है गाइस, ये कंप्लीट हो जा रहा है। ऐसे मसाला भी हमारा कम लगता है, और ज़्यादा मसाला खाना भी सही से नहीं है, गर्मी वैसे हो रखी है। तो ये हो गया हमारा मसाले के साथ में कुक फास्ट से दोस्त। अब डेली आपको लगभग रोज़ फूड व्लॉग मिलेंगे कुकिंग के रिलेट्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हम अपने चैनल को ग्रो कर सकें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें बूस्ट मिलेगा। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट, सारा मसाला आपने देख लिया कितनी अच्छी तरीके से लग गया है। इस तरीके से ही आप लगाएं, ज़्यादा उसको वो गीला ना करें, नहीं तो फिर वो सही नहीं रहेगा। ये कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको ढक देंगे, ढक दिया है, और इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए। तो गाइस मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो वेलकम बैक गाइस, तो आधा घंटा हो गया मैरिनेट करके हमारा फिश। तो अब हम गैस जला देंगे, गैस जला के और उसके बाद में इसमें रखते हैं तेल, डालते हैं 1 टेबल स्पून, 2 और ये 3, क्योंकि फ्राई में थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके बाद डालेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना ही सही है। तो इसको हम होने देंगे गरम, जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा एक बार इसको इस तरीके से कर लेंगे जिससे पैन में चारों तरफ में थोड़ा सा हो जाए।
हम पैन रखेंगे फुल। हमारा तेल अब लगभग हो चुका है गरम, ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक पीस अपने फिश के डालेंगे, देखेंगे। देख रहे हैं इस तरीके से सारे फिश को हम इसमें डाल देंगे। जितनी आए उतने ही डालें, उसको छेड़े ना, इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें। जब ये गर्म हो के अपने बढ़िया से थोड़ा सा पीछे 2 मिनट में कलर चेंज कर लेगा, उसके बाद में हम इसको पलटेंगे। फिर हम दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। फिलहाल अभी इसको होने देते हैं, लेकिन थोड़ा दूर होके रहिएगा, ये बहुत तेज़ कभी कभी छींटे मारता है। तो इस तरीके से फिश फ्राई करेंगे। देखिए इसमें ना कुछ हमने कोई फालतू चीज़ नहीं डाली है। इस तरीके देखना कितनी जूसी ये फिश तैयार होती है कुछ फ्राई। अब इस पर थोड़ा सा हम इसको पलटेंगे ज़रा सा। हाँ देखिए क्या कलर आ रहा है। आप देखेंगे इस तरीके से पहले तेज, फिर उसके बाद में फिर इसको हम कर देंगे थोड़ा सा कम, जिससे हमारी फिश जले ना। शुरुआत में तेज़ रखना है, जिससे क्या कहते हैं ये हो जाए थोड़ा कलर आ जाए। फिर तो धीरे से इसको स्लो कर दें, जिससे धीरे धीरे ये अपनी और जूसी की तरफ होती रहे। बस 1 मिनट करीब और लगेगा, उसके बाद में हमारी फिश जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, ना ज़्यादा कड़क करना है, क्योंकि फिश जितनी जूसी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। हल्का हल्का सा इस तरीके से हिला देंगे, जिससे कि नीचे चिपके ना। वैसे भी नॉन स्टिक है, उसमें चिपकेगा नहीं ये, फिर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका गाइस। हमारी ये फिश हो गई है फ्राई, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया एकदम। तो इसी तरीके से सारी फिश फ्राई करते हैं।
ये देख लीजिए, और इसको निकाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सारे कुछ ट्राई करने के बाद। ओके वेलकम बैक गाइस। तो ये देखिए हमारी फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है, उसमें से मैंने थोड़ी फ़िश अलग निकाल ली है। तो अभी हम ये बचा हुआ तेल है, तो इसमें हम देखिए किस तरीके से इसको नया बनाते हैं। तो ये मेथी डाल दी थोड़ी, मेथी का तड़का रहेगा। तो मेथी जब हमारी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी हल्की सी, अब ये यहाँ पे हमने मसाला जो हमारा बचा हुआ था, उसी मसाले में हमने इसका बचा हुआ जो फ्राई के साथ का मसाला था और जो मसाला था उसको हमने पानी में हल्का सा इसको मिक्स कर लिया बस। ठीक है, तो हमारा वो मेथी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का पेस्ट और इसको हम सरसों के पेस्ट से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज। ओके, दो चार हरी मिर्ची, क्योंकि ये मुझे पसंद है हरी मिर्ची इसलिए, और इसमें डालेंगे धनिए की डंडी। ठीक है, ओके, इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई, सॉफ्ट करना है, एकदम जलाना नहीं है इसको, सॉफ्ट करने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के भी रखेंगे। ये फ्राई हो रहा है, ये एकदम नए तरीके की आपको इसको, एक तरफ फिश फ्राई हो गई, दूसरी तरफ थोड़े से फिश फ्राई पीस निकाल के बचे हुए मसाले को फेंकना नहीं है, उसको इस तरीके से कर लेंगे। तो इसको फिश मसाला कह दें या फिश करी थोड़ा टाइप कह दें। तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं, हल्का सा मीडियम टू लो करते हैं, और ये वाला जो हमारा मसाला है हम इसको अभी इसी में डालेंगे। उसके बाद देखना इसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। जैसे मैंने कहा इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसे देना है बस। अब इसके बाद में हमारा ये जो मसाला है ये हम इसमें डाल देंगे सारा, और इसको साफ करके इसमें रख दिया। थोड़ा सा इसे पका लेंगे, जरा सा एक पिंच हम इसमें डालेंगे नमक, इससे उसका प्याज के लिए बस, ज़्यादा नहीं बस एक चुटकी। मसाला हमारा पहले से पका हुआ है, आपको पता है हमें इसमें ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बनाइए नए तरीके से, आपकी फिश फ्राई भी हो जाएगी, थोड़ा सा करी के टाइप से थोड़ा सा फिश मसाला भी मिल जाएगा, प्याज भी अच्छे लगेंगे आपके खाने में, और टमाटर हम डाल नहीं रहे क्योंकि बहुत महंगे हो चुके हैं टमाटर, तो हमने तो खाना ही बंद कर दिया टमाटर, क्या करें। आप लोगों को भी परेशानी हो रही होगी, तो हमने टमाटर खाना बंद कर दिया है भाई साहब, क्या बताएं। तो ये थोड़ा सा हो गया, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी,
बस पानी डाल के इसमें हम थोड़ी देर इसको पकने देंगे। आपके सामने ही देखिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें इस तरीके से इसको करने में, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। खाली उबाल आ जाए इसके अंदर, फिर हम फिश डालते हैं। थोड़ा सा ये देखिए, आपके सामने ये उबाल आ गई है। अब इसमें हमारा काम है इसको कम करेंगे थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, और ये फिश जो है इसमें डाल देंगे इस तरीके से, जिससे इसके अंदर ऐसे करके ऐसे से आप कर देंगे तो फिश हेड जो है वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ये आ गया, इस तरीके से आप बना के देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। इसको बचे हुए मसाले के साथ में जो ये फ्राई है इसको इसमें डाल देंगे। इसको बिल्कुल भी और पकाना नहीं है क्योंकि हमारा पहले से ही पक चुकी है मछली। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया, और ये हमारी देखिए फिश करी रेडी। कितना टाइम लगा गाइस, एकदम फटाफट बन गया। तो ठीक है, आज का ब्लॉग जो है हमारा यहीं ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्त। आप सबको क्या कहते हैं, दुआएं, और हमें याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमें सपोर्ट करिए जिससे हम भी कुछ आगे बढ़ें। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खाना पसंद आता है हमारा बनाया हुआ तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फूड के।